Hello everyone, welcome you all at the Nimbus Learning Urbanes Academy. I welcome you all in the lecture series of interview guidance program. So in this lecture, I will discuss some important questions regarding the metal forming operations. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, metal forming operations जुड़े जितने भी important interview questions हैं, वो हम इस lecture में discuss करने वाले हैं. Yes ना? तो come to the first question is describe the metal forming process. ये बोल रहा है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, यू नो. सो एज यू ऑल ऑफ नो, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज जस्ट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस वी हीट अप द मेटल, वी हैव टू हीट अप द मेटल अबाउ द सॉलिडस टेम्परेचर एंड देन वी अप्लाइड द फोर्स, देन वी अप्लाइड द फोर्स और जैसा भी हमें शेप में डालना है उस शेप में हम कहीं ना कहीं उस वर्क पीस को डाल देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हम सरफेस को जनरेट कर देते हैं. दिस इज सिंपली योर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, सो इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ वर्क पीस इज नॉट चेंज. आपका वॉल्यूम ना तो कम होगा ज्यादा होगा. इट इज नॉट मशीनिंग प्रोसेस, इट इज मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. और इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, बेसिकली कॉन्स्टेंट रहने वाला है. इट इज जस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना. जैसे मान लीजिए अगर हम इन प्रोसेसेस की बात करें तो लाइक योर रोलिंग प्रोसेस, लाइक योर फोर्जिंग प्रोसेस, लाइक एक्सट्रूजन प्रोसेस, बात करें शीट मेटल ऑपरेशंस, दे ऑल आर बेसिकली व्हाट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. अब पूछेगा भाई, आपने जैसे कहा है कि इन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वी हीट अप द मेटल, तो ये हीट हम कहाँ तक करेंगे? ये हीट हम तब तक करेंगे माइडिया जब तक कि प्रॉपर आपका रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हो जाता. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू नो रिक्रिस्टलाइजेशन माय डियर फ्रेंड? रिक्रिस्टलाइजेशन जस्ट अ टेम्परेचर वेयर द यू नो द स्ट्रेंथ, जो आपके स्ट्रेस आए हैं कोल्ड वर्किंग, जो जब आपने कोल्ड वर्किंग की किसी मेटल का, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वर्कपीस में जो स्ट्रेस आए वो रिमूव हो जाए, जो आपके न्यू ग्रेन्स डेवलप हो जिसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं हो, उनको बोलते हैं अपन इक्वी एक्स ग्रेन्स, जिसके अंदर आपके स्ट्रेंथ नहीं होते हैं, जीरो स्ट्रेंस. उन पर्टिकुलर न्यू डेवलप्ड जब आपके स्ट्रेंथ होंगे तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मटेरियल की डक्टिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को किसी भी शेप में आराम से दे सकते हो, कोई भी आप सरफेस बना सकते हो. दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, दिस काइंड ऑफ आंसर एक्सेप्टेड इन द इंटरव्यू गाइडेंस. ओके, नाउ सेकेंड वन, वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग? नाउ जैसे ही मेटल फॉर्मिंग शुरुआत हुई तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग? What is the meaning for that? So this term is hot working is basically what? Hot working क्या होती है? जब आप किसी भी वर्कपीस को उसके RX temperature, इसको हम बोलते हैं recrystallization temperature तक गर्म करने के बाद अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन कहीं ना कहीं हॉट वर्किंग प्रोसेस. मतलब गर्म करने के बाद उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है ताकि उसमें न्यू ग्रेन्स बने, यस ना, न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बने, और तो और उसकी डक्टिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो, और मैं कह सकता हूँ क्या स्ट्रेंथ क्या हो, स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाए, टफनेस इंक्रीज हो जाए, इसको हम बोलते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वर्किंग? कोल्ड वर्किंग की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप रूम टेम्परेचर पे, या अगर मैं बात करता हूँ कि उसको गर्म ना करते हुए अगर आपने उस पर्टिकुलर RX टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे अगर किसी भी वर्कपीस पे वर्किंग किया है, किसी को शेप में डाला है, है ना, इन कोल्ड कंडीशन, नॉट हीट अप अप टू द RX टेम्परेचर, नो. सो इसे हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. नाउ व्हाट आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन द हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग? आई कैन से व्हाट आर द यू नो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग, हम इसकी बात कर लेते हैं. अगर हम हॉट वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग कम होगी, यस और नो, डक्टिलिटी आपकी इंक्रीज होगी. वहीं अगर मैं कोल्ड वर्किंग की बात करूं तो स्ट्रेन हार्डनिंग हो सकती है, यस ना, बिकॉज ऑफ पाइल अप ऑफ डिसलोकेशन, लाइक योर सेसाइल डिसलोकेशन की वजह से आपकी, मैं कह सकता हूँ क्या, स्ट्रेंथ बढ़ सकती है ना. कहीं ना कहीं आपके क्रैक का प्रोपोगेशन भी हो सकता है इन द कोल्ड वर्किंग. अगर हम बात करें सरफेस फिनिश का, प्लीज थिंक ऑफ इट, सरफेस फिनिश की बात करें तो पूछेगा सरफेस फिनिश हॉट वर्किंग में अच्छी होती है या कोल्ड वर्किंग में? सो माई डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सरफेस फिनिश इज गुड इन कोल्ड वर्किंग, नॉट इन हॉट वर्किंग, बिकॉज इन हॉट वर्किंग प्रोसेस वेन यू हीट अप द मटेरियल अबाउ द RX टेम्परेचर, देन मेनी काइंड ऑफ कॉन्टामिनेंट्स लाइक योर atmospheric impurities are you know attracted toward the hot workpiece, and that's why the surface finish is not good in the hot working process. As well as in the hot working process, my dear, when you heat up the metal, then you know strength will be less. So some kind of accuracy आप उसमें नहीं ले पाएंगे, because बहुत ज़्यादा वहाँ पे material flow होगा,
tendency of metal flow is very, very high in the hot working process. That's why accuracy is not good obtained from the hot working process. apart from this, in the cold working, accuracy and surface finish you obtain from the cold working is good. Clear? Now, अगर हम बात करें माय डियर हॉट वर्किंग का, तो एनी काइंड ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स यू कैन फॉर्म विद द हॉट वर्किंग प्रोसेस. सम उसमें अगर आप स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, कुछ एक्सट्रूजन के प्रोसेस भी, जस्ट लाइक योर हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन, उससे आप ब्रिटल वर्क पीसेस को भी कहीं ना कहीं फॉर्म कर सकते हैं, है ना. तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग ओवर द कोल्ड वर्किंग. नाउ अगर हम बात करें कि भाई अगर कास्टिंग से आपका प्रोडक्ट आया है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्लो होल्स वगैरह हैं, तो हॉट वर्किंग करने से जो भी आपके अंदर होल्स हैं, है ना, जो भी वर्कपीस के अंदर होल्स हैं, आई कैन से वो सब पोर अप, जो पोर्स वगैरह हैं वो फिल हो जाते हैं. लेकिन कोल्ड वर्किंग में वो पोर्स हैं, आज मैं कहूँ जो होल्स हैं, वो आपके क्रैक में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस डिफरेंसेस यू मस्ट अवेयर विद, है ना, ओके. सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन द हॉट वर्किंग एंड माय डियर कोल्ड वर्किंग. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि सर अगर किसी मेटल को उसके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके फिर उसके ऊपर अगर वर्किंग करते हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट हॉट वर्किंग. अगर आरएक्स टेम्परेचर के नीचे अगर उसे आप वर्किंग करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. यही है आपका मेन डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग. और कभी पूछे भाई व्हाट इज द आरएक्स टेम्परेचर, ये आप जो बोल रहे हो कि री क्रिस्टलाइज टेम्परेचर होता क्या है सर. सर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो भी आपके कोल्ड स्ट्रेसेस हैं, या मैं कहूँ जो कोल्ड वर्किंग से होने वाले स्ट्रेसेस हैं, वो रिमूव होते हैं, आपके न्यू क्रिस्टल न्यू ग्रेन्स आपके क्रिस्टलाइज होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. जो ग्रेन्स बनने वाले हैं दे आर बेसिकली व्हाट स्ट्रेन हार्ड, दे आर बेसिकली व्हाट स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स. दैट्स व्हाई डक्टिलिटी गेट्स इंक्रीज, दैट्स व्हाई द मेटल गेट्स इजीली फॉर्मेबल, ठीक है ना. तो ये होता है आपका आरएक्स टेम्परेचर. आई थिंक यू शुड अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट्स. नाउ यस, गिव द एग्जांपल्स वेयर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस प्रिफर्ड एंड व्हाई. ऐसे कौन से एग्जांपल्स है, या मैं कहूं ऐसे कौन से मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं जिसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ही करना है, आप हॉट वर्किंग नहीं कर पाओगे. देखो अगर हम बात करें जहां पे भी आपको एक्यूरेसी का नीड है, यस ना, जहां पे भी आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी का नीड है ना, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, देन यू अप्लाई ओनली द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. अगर हम बात करें ऐसे आपका हो गया थ्रेड रोलिंग, है ना, अगर मान लीजिए आपका हो गया थ्रेड रोलिंग, अगर आप थ्रेड रोलिंग कर रहे हैं तो यू नो दैट द थ्रेड्स जो आप थ्रेड्स बनाने वाले हैं इट शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, बिकॉज आप जो थ्रेड बनाने वाले हैं कहीं ना कहीं उसको असेंबल करने वाले हैं किसी के साथ, तो ना थ्रेड कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेटली बनना चाहिए. और वहां पे अगर ज्यादा मटेरियल फ्लो हो गया तो एक्यूरेट थ्रेड नहीं बन पाएंगे. सो इन द कोल्ड वर्किंग इन थ्रेड रोलिंग प्रोसेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड, इट इज़ प्रीफरेबल बिकॉज डायमेंशनल एक्यूरेसी जो आपको चाहिए वो 100% अच्छी चाहिए, है ना. दैट्स व्हाई वी प्रीफर द कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस ऑन द थ्रेड रोलिंग प्रोसेस. यस, सो अपार्ट फ्रॉम दिस इन योर वायर ड्रॉइंग प्रोसेस ऑल्सो माई डियर वी अप्लाइड ना कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बिकॉज वी वॉन्ट एक्यूरेट साइज ऑफ वायर एंड इन दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इन फॉर्मिंग ऑपरेशन द स्ट्रेस वैल्यू इज गोज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस एंड अप टू द अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना, प्लीज थिंक ऑफ इट. सो वेर एवर द डायमेंशन एक्यूरेसी वी रिक्वायर्ड वेरी वेरी मोर, अगर आपको डायमेंशन एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, इन दैट कंडीशन माय डियर अगर आपको स्ट्रेंथ देना चाहिए, इन दैट कंडीशन आप कोल्ड वर्किंग को बेसिकली प्रिफरेबल करेंगे एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग प्रोसेस. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज देयर एनी काइंड ऑफ स्लिप इन रोलिंग, इफ यस देन डिफाइन देम. यस, बिल्कुल सही बात है. अगर हम बात करेंगे रोलिंग प्रोसेस का, तो इन द रोलिंग प्रोसेस, यस सर, देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्लिप. फर्स्ट वन इज वॉट द बैकवर्ड स्लिप एंड सेकंड इज वॉट द फॉरवर्ड स्लिप. अभी बैकवर्ड स्लिप कब होती है और फॉरवर्ड स्लिप कब होती है, यू नो, इफ यू सी दिस, दिस इज बेसिकली वॉट द रोलर्स. सपोज कीजिए आपके रोलर्स हैं और यहाँ पे आपका वर्कपीस जो है वो आता है, है ना, दिस इज वॉट द योर शीट, है ना. जैसे ही ये वर्कपीस यहाँ पे आएगा और यहाँ से रोल होते हुए आगे जाएगा, यस और नो, तो थिकनेस गेट रिड्यूस्ड माय डियर. नाउ व्हेन द वर्कपीस इज जस्ट एंटर इन दिस पॉइंट, यहां पे जैसे ही आपका जो वर्कपीस एंटर होता है, एट दिस पॉइंट माय डियर वेलोसिटी ऑफ रोलर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस.
is not in is that point velocity of you know velocity of roller is more than velocity of workpiece because thickness of workpiece is more at that time. So if there is velocity difference between the roller and workpiece, then it is basically called the backward slip. इसको हम बोलते हैं backward slip. अब जैसे जैसे ये आपका workpiece आगे जा रहा है वैसे वैसे मैं कह सकता हूँ कि इसकी thickness कम होती जा रही है और यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में मैं कह सकता हूँ क्या roller का speed क्या है ज़्यादा है. एक plane ऐसा आएगा my dear जिसमें आपका roller का velocity यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पे roller का जो velocity था वो ज़्यादा था वर्कपीस से. एक प्लेन ऐसा आएगा जहां पे सपोज कीजिए रोलर का वेलोसिटी क्या होगा वर्कपीस की वेलोसिटी के बराबर होगा. लेकिन जस्ट इसके बाद अगर आप देखें एट द एग्जिट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ द रोलर. सो एट द एग्जिट पॉइंट द स्लिप यू नो सपोज कीजिए दिस इज यू नो योर डिफॉर्मेशन जोन. If this is deformation zone, so there is neutral plane. So यहाँ से यहाँ तक जो आएगा इसे बोलते हैं अपन backward slip. This is what the backward slip. Suppose this is the deformation zone. This is you know deformation zone. So I can say that this is you know in this type of condition neutral plane is what this is neutral plane. So in this type of zone I can say that the velocity of roller is more than velocity of workpiece. Then in that zone. You know, backward slip happened. Neutral plane पे क्या होगा? There is no kind of slip because velocity of roller is equal to velocity of workpiece. But after the neutral plane, velocity of roller is less than velocity of workpiece. It means velocity of workpiece is more than velocity of roller. Okay? In that condition, you know, the forward slip is there. In that condition, forward slip is there. So इस जोन को जहाँ पे आपका वर्कपीस का वेलोसिटी क्या है माय डियर कम है रोलर का ज़्यादा है इसको हम बोलते हैं लैगिंग जोन और इसमें ही होती है आपकी बैकवर्ड स्लिप. ओके और दिस पर्टिकुलर प्लेन इज वॉट न्यूट्रल प्लेन वेयर वेलोसिटी ऑफ रोलर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस एंड दिस जोन वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रोलर. दिस इज बेसिकली लीडिंग जोन. इसको हम बोलते हैं लीडिंग जोन और यहाँ पे क्या होता है आपका फॉरवर्ड स्लिप होता है. यहाँ पे क्या होता है आपकी फॉरवर्ड स्लिप होती है. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्लिप हैपन. यस देर आर टू काइंड्स ऑफ स्लिप हैपन इन द रोलिंग प्रोसेस बैकवर्ड स्लिप एंड माई डियर फॉरवर्ड स्लिप. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज वॉट आर द रोलिंग डिफेक्ट्स एक्सप्लेन द वेवी एजेस. नाउ अगर हम बात करें रोलिंग डिफेक्ट्स की देर आर वेरियस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन रोलिंग लाइक योर वेवी एजेस लाइक योर जीपर क्रैक्स है ना लाइक योर एज क्रैकिंग एंड योर एलिगेटरिंग या हम उसे बोलते हैं क्रोकोडाइल क्रैक. सो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि वॉट विल बी द रोलिंग डिफेक्ट्स. रोलिंग डिफेक्ट में ये पूछा है कि भाई वेवी एजेस क्या होंगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सपोज कीजिए माय डियर आपके पास कुछ ऐसे ये आपके पास मान लीजिए दो रोल्स हैं दे आर बेसिकली वॉट टू रोल्स और ये आपका वर्कपीस है. ठीक है दिस इज बेसिकली वॉट द वर्कपीस. नाउ अगर मान लीजिए ये वर्कपीस बिल्कुल वर्कपीस जो है बहुत हार्ड है इसका स्ट्रेंथ माय डियर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं कह सकता हूँ क्या अगर वर्कपीस का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया अगर स्ट्रेंथ नहीं था ज़्यादा तो यहाँ पे क्या हो रहा था जो एज का थिकनेस है मैं कह सकता हूँ कि सेंटर का थिकनेस भी सेम था. लेकिन अगर यहाँ पे इफ वर्कपीस स्ट्रेंथ इज मोर यदि यहाँ पे वर्कपीस का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ क्या आपके रोल क्या कर गए बेंड कर गए है ना जिसकी वजह से आपके रोल क्या कर गए बेंड कर गए. नाउ अगर यहाँ पे रोल बेंड कर जाते हैं तो क्या होगा ये मैं कह सकता हूँ कि आपका अब जो वर्कपीस निकलने वाला है उसका थिकनेस पर्टिकुलर लेंथ के लिए सेम नहीं होगा है ना पर्टिकुलर विड्थ के लिए आपका थिकनेस सेम नहीं होगा. तो इन दैट केस माय डियर इन दैट केस आप देख पा रहे हैं जो एज का थिकनेस है और ये जो सेंटर का थिकनेस है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो सेंटर थिकनेस ज्यादा हो गई एज थिकनेस कम हो गई उल्टा लिखा है यहाँ पे. ओके इन दिस कंडीशन आई कैन से दैट एज थिकनेस इज लेस देन व्हाट सेंटर थिकनेस क्या होगा ज्यादा हो गई. अब अगर सेंटर का थिकनेस ज्यादा हो गया जहां पे थिकनेस ज्यादा वहां पे मैं कह सकता हूँ क्या मटेरियल का वेलोसिटी कम होगा
यस, जहां पे थिकनेस कम वहां पे वर्कपीस में का जो फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा। माय डियर, जहां पे भी थिकनेस आपका ज्यादा होता है वहीं इन दैट कंडीशन जो फ्लो ऑफ वर्कपीसेस है वो क्या होगा, कम होगा। जहां भी थिकनेस कम होगा फ्लो क्या होगा माय डियर, ज्यादा जल्दी होगा। सो इस वजह से माय डियर क्या होता है, आप देख पाएंगे इस शीट को, यहां से आप देखेंगे दिस इज बेसिकली व्हाट द बेबी एजेस। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एज पे अगर आपकी थिकनेस कम है, यस ना, अगर एज पे आपकी थिकनेस कम हो गई ड्यू टू रोल बेंडिंग जो वर्कपीस आपका निकल रहा है, अगर एज पे आपकी थिकनेस कम है तो मैं कह सकता हूं क्या, मटेरियल का फ्लो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन यहां अगर मैं सेंटर की बात करूं, तो वहां पे मैं कह सकता हूं क्या, वर्कपीस का फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वहां पे ज्यादा मटेरियल है। आपका जो बेसिकली एज है वो, आपको जो एज है वो चाह रहा है कि मुझे मटेरियल दो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो बीच में आपके जो मटेरियल है उसकी वेलोसिटी कम है, बिकॉज उसका थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आपको एजेस दिखाई दे रहे हैं इनको ही हम बोलते हैं वेवी एजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, वेवी एजेस, ड्यू टू जहां पे आपकी थिकनेस कम है एट द एजेस वहां पे कंप्रेशन स्ट्रेस लगेगा, जहां पे आपका थिकनेस ज्यादा है वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ये ऐसे एजेस फॉर्म होते हैं। इन एजेस को हम क्या बोलते हैं, वेवी एजेस बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट एज क्रैकिंग। इस वेवी एजेस को रोकने के लिए हम कैम्बरिंग देते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रोलर में कैम्बर देते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका रोल बैंड हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम उसको बैंड पहले से ही कर देंगे, ताकि ड्यू टू द रोलिंग प्रोसेस वो वापस अपनी साइज में आ जाए। सो अगर आप ओवर कैम्बरिंग कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको एलिगेटरिंग जैसे क्रैक दिखाई देंगे, यस ना, एलिगेटरिंग। अगर आप इनसफिशियंट क्रैक कर देंगे तो आपको एज क्रैकिंग हो गया, जिपर क्रैक्स हो गया, वो ऐसे क्रैक्स आपको दिखाई देंगे। सो दे आर बेसिकली रोलिंग डिफेक्ट्स लाइक योर रेवी एजेस, एज क्रैकिंग, योर जिपर क्रैक्स एंड एलिगेटरिंग, दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ द रोलिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है माय डियर, व्हाट आर द एक्सट्रूजन रेशियो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रूजन, इट इज अगेन इट इज अ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, जहां पे हम ये देखते हैं कि ये आपका मेटलिक, अगर आपको बताऊं मैं व्हाट आर द एक्सट्रूजन रेशियो, सो यू कैन अप्रिशिएट द कंसेप्ट। नाउ यू कैन से दैट दिस इज व्हाट द एक्सट्रूजन प्रोसेस। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका हॉट मेटलिक होता है बिलेट, यहां से आपका रैम आता है और कहीं ना कहीं आपका रैम के फोर्स के कारण ये जो आपकी डाई लगी है उस डाई की शेप के अकॉर्डिंग, इस डाई की शेप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहां से वर्कपीस आपका निकल रहा है। क्लियर। सो देखो यहां पे इसको हम बोलते हैं मेटेलिक चैम्बर, दिस इज व्हाट हॉट मेटेलिक बिलेट, दिस इज हॉट मेटेलिक बिलेट, ये आपका हॉट मेटेलिक बिलेट है। यहां से आपका रैम आ रहा है और जैसे यहां से रैम का प्रेशर आया तो क्या हुआ, यहां से आपका वर्कपीस एक्सट्रूड हुआ। नाउ यहां से अगर हम बात करें तो चेंजिंग, जैसे ही आप यू नो चेंज कर देंगे डाई की शेप को, तो कहीं ना कहीं आपका वर्कपीस का शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज यूनिक फीचर ऑफ द यू नो एक्सट्रूजन प्रोसेस। इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टेन सम कॉम्प्लेक्स केविटीज, इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टेन द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, देन जस्ट यू चेंज द शेप डाई, है ना, जस्ट यू चेंज द डाई शेप and you will get the different product, okay? But in extrusion process, जो आपको वर्कपीस एक्सट्रूड हो रहा है उसका पर्टिकुलर लेंथ के लिए, क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रूजन, है ना, दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रूजन, पर्टिकुलर लेंथ के लिए इस क्रॉस सेक्शन क्या है माई डियर, सेम है। क्लियर। नाउ सो वॉट इज एक्सट्रूजन रेशियो, एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका कुछ एरिया होगा, ए इनिशियल बोल दूँ या ए ओरिजिनल बोल दूँ, दिस इज ए ओरिजिनल। जैसे ही ये डाई में से बाहर निकला तो ये क्या हो गया आपका, ए फाइनल। सो यहां पे अगर एक्सट्रूजन रेशियो की बात करें, दिस इज व्हाट ए नॉट अपॉन ए एफ, मींस यहां पे क्या होगा, दिस इज ए ओरिजिनल अपॉन ए फाइनल, यही क्या होता है आपका एक्सट्रूजन रेशियो होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 400 फॉर द एल्यूमिनियम। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन। देखो हॉट एक्सट्रूजन से हमने बात किया कि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है एक्सट्रूजन प्रोसेस में, जस्ट डिपेंड्स अपॉन द डाई शेप, सो डाई का डिजाइनिंग करना,
डाई का डिजाइनिंग करना बहुत बहुत डिफिकल्ट काम होता है यहाँ पे. सो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन? मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन इज डिजाइन ऑफ डाई. डाई का डिजाइन करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ क्या ऑब्स्टेकल है, मैं कहूँ सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए हॉट ऑक्सीजन में. बिकॉज जो आपका मेटल एक्सट्रूड हो रहा है इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डाई डिजाइन. Yes, so I can say that a major problem in a hot extrusion is what? Die designing. Clear? Now, can we extrude a brittle materials? देखें, क्या आप brittle material को extrude कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? Yes, we can extrude the brittle materials by the hydrostatic extrusion. Because देखो यहाँ से देखें, अगर ये आपका billet है और यहाँ पे हम high pressure लगा रहे हैं with the help of ram, अगर यहाँ पे brittle material होगा तो हो सकता है वो crack हो जाए. इतना हो सकता है वो क्रैक होगा, इतना पर्टिकुलर फोर्स को सहन नहीं कर पाए. तो इसलिए हमने क्या किया, दिस इज बेसिकली व्हाट हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन. यस, यहां पे हम डायरेक्टली, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वर्क हॉट मेटलिक बिलेट पे हम डायरेक्टली प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहां से पानी से प्रेशर लगा रहे हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट फ्लूइड. और जैसे ही इस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम रैम की सहायता से प्रेशर लगाएंगे तो इस हॉट मेटलिक बिलेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बिलेट पे चारों ही तरफ से है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग इस हॉट मेटलिक बिलेट पे आपका प्रेशर लगने वाला है फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, है ना, पूरा की पूरा जो आप दिखाई दे रहा है चारों तरफ से यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्रेशर लगने वाला है. और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो यू नो ये जो वर्कपीस है जो कि बिटल था वो कहीं ना कहीं डक्टाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है. इसे ही बोलते हैं प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी, है ना, इसे ही बोलते हैं अपन प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रूड एनी काइंड ऑफ हार्ड मटेरियल्स, एनी काइंड ऑफ मेटल विच हैव वेरी वेरी हाई स्ट्रेंथ, देन वी यूज द हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन, जहां पे हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रैम से उस वर्कपीस पे फोर्स नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पे फ्लूड की सहायता से, जो आपका फ्लूड है उसकी सहायता से यहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं, ताकि क्या हो, एक तो आपका रैम और वर्कपीस के भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, और ये जो मेटलिक आपका जो दिखाई दे रहा है चैम्बर और वर्कपीस के बीच में भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, जिससे फ्रिक्शन भी आपका कम हो जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्लूड दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी लुब्रिकेंट की तरह भी वर्क करता है. तो इट मीन्स व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यस वी कैन एक्सट्रूड द बेटर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन, विद द हेल्प ऑफ माय डियर हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन. नाइस. सो इन वायर ड्रॉइंग विच स्ट्रेसेस आर अपीयर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वायर ड्रॉइंग, प्लीज सी दिस, If I talk about the wire drawing, तो which stresses are appear? अगर मैं stresses की बात करूं, देखें these are the dies, these are basically what the dies, yes. और यहाँ पे आप जैसे ही in wire drawing process, it is a, you know, cold working process, and it is just restricted to ductile materials. तो यहाँ पे क्या करते हैं, pulling action करते हैं, है ना, यहाँ पे हम pulling action करते हैं. मान लीजिए आपके पास एक rod है जिसका कि आपको wire बनाना है, तो यू डिड द पुलिंग एक्शन, नॉट पुशिंग, पुलिंग एक्शन होता है जिसकी वजह से ये जो आपका एग्जिट है, ये जो आपको एग्जिट है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा. यस, देयर इज टेंसाइल स्ट्रेस, बट अगर जहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे टेंसाइल भी लगेगा, कंप्रेसिव भी लगेगा और शियर भी लगेगा. तो ध्यान रखना, इन द वायर ड्रॉइंग प्रोसेस एट द एग्जिट टेंसाइल स्ट्रेसेस आर फॉर्म्ड. At the exit, tensile stresses are formed. Else, अगर हम बात करें deformation zone का, this is what the deformation zone. In deformation zone, tensile, because यहाँ tensile लगी रहा है, tensile plus compressive plus shear, ये तीनों ही stress इस deformation zone में लगते हैं, है ना. तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे टेंसाइल कहाँ लगेगा, जहाँ पे एग्जिट हो रहा है, बट तीनों की तीनों फोर्सेस, जैसे टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर, वो कहाँ लगेंगे, डिफॉर्मेशन जोन में लगते हैं. क्लियर ना, दिस इज बेसिकली व्हाट स्ट्रेसेस इन द वायर ड्रॉइंग प्रोसेस. नाउ अगर आगे हम बात करें, डिफाइन द एडवांटेजेस ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस एंड क्लासीफाई द फोर्जिंग. देखिए माय डियर, अगर हम बात करें कि भाई व्हाट इज द फोर्जिंग एडवांटेज, तो इन यू नो द फोर्जिंग प्रोसेस आप क्या करने वाले हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस, लाइक योर ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग. सो इन ड्रॉप फोर्जिंग रिपीटेटिवली आप हैमर उसके ऊपर ब्लो कराएंगे और हॉट वर्कपीस के ऊपर, जिसको कि आप डिफाइंड यू नो डायरेक्शन में मेटल फ्लो करवा पाएंगे.
यू नो इन एक्सट्रूजन प्रोसेस, इन एक्सट्रूजन प्रोसेस आपने अभी देखा था पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपको जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है वो क्या है, सेम है. यस, इन यू नो इन एक्सट्रूजन प्रोसेस पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपको जो क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है. लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस फोर्जिंग प्रोसेस में, तो पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप उसको चेंज कर सकते हो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस. यू नो क्रैंक शाफ्ट एंड मेनी काइंड्स ऑफ यू नो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज आर बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय द फोर्जिंग प्रोसेस, बिकॉज पर्टिकुलर लेंथ के लिए आप उसमें एरियाज को चेंज कर सकते हो. दैट्स व्हाई कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंक शाफ्ट आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय द फोर्जिंग प्रोसेस. क्लियर? सो क्लासिफाई द फोर्जिंग प्रोसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस मेनली, ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग. प्रेस फोर्जिंग आर ऑल्सो बेसिकली कॉल्ड एज यू नो प्रेस फोर्जिंग को हम बोलते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग एज वेल. सो इन ड्रॉप फोर्जिंग माई डियर, यू हैव योर हॉट मेटल, देन रिपीटेटिवली ब्लोज आर देयर. रिपीटेटिवली ब्लो आपके आते रहते हैं ऊपर हैमर के, जिसकी जिससे कि आप मेटल फ्लो करवाते हो. लेकिन अगर हम बात करें क्लोज डाई फोर्जिंग का, देखें वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज डाई फोर्जिंग एंड इसमें क्या होगा. अगर हम ओपन डाई फोर्जिंग की बात करें या ड्रॉप फोर्जिंग की बात करें, तो सम काइंड ऑफ यू नो दिस काइंड ऑफ टू डाइज आर देयर. ओके, दिस काइंड ऑफ यू नो डाइज आर देयर एंड ये मान लीजिए आपका हॉट मेटलिक बिलेट है, या मैं कहूँ आपका हॉट वर्क पीस है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपर डाई है, ये जो अपर डाई है, इससे आप रिपीटेटिव ब्लो करवाएंगे, रिपीटेटिव ब्लो करवाएंगे माय डियर, जिसकी और तब तक ब्लो करवाते रहेंगे जब तक कि ये जो डाई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरी दोनों दोनों डाई जो है आपस में क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम इसमें रिपीटेटिव ब्लो करवाते रहेंगे. जैसे ही जिस टाइम दोनों की दोनों डाइज आपस में क्लोज हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका हॉट मेटलिक बिलेट है या जो हॉट मेटल आप देख रहे हो वो इस डाई में पूरा की पूरा जब शेप ले लेगा. क्लियर? तो इसे बोलते हैं अपन ओपन डाई फोर्जिंग या ड्रॉप फोर्जिंग. अगर हम बोले प्रेस फोर्जिंग या क्लोज डाई फोर्जिंग, इन दैट काइंड ऑफ फोर्जिंग ये हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं बड़े वर्क पीस बनाने के लिए, है ना, प्रेस फोर्जिंग. और प्रेस फोर्जिंग की बात करें तो वहां पे क्या होगा, रिपीटेटिव ब्लो नहीं होगा, वहां पे आप स्क्वीज एक्शन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अपर डाई ऑन द वर्क पीस, विद द स्क्वीजिंग एक्शन. जैसे ही स्क्वीजिंग एक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सेम वहाँ पे भी हम दो डाई हाफ लेने वाले हैं इन द यू नो स्क्वीजिंग स्क्वीज फोर्जिंग, या हम उसे बोलते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग. वहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, दो डाई हाफ लेने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे रिपीटेटिव ब्लो नहीं करने वाले हैं, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक स्क्वीजिंग एक्शन करने वाले हैं, एक साथ प्रेशर देने वाले हैं, ताकि क्या हो आपका ये जो जब रिट्रैक्शन हो रहा है इस यू नो ड्रॉप फोर्जिंग में, तो क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है. बट इन स्क्वीजिंग हम कह सकते हैं क्या, एक बार में हम स्क्वीज कर देंगे अपर डाई को और क्लोज डाई को, ताकि आपका जो वर्क पीस है वो कहीं ना कहीं उस डाई का शेप ले लेगा. तो दिस इज जस्ट टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस इन ब्रॉडली क्लासिफाइंग, जस्ट लाइक योर ड्रॉप फोर्जिंग एंड लाइक योर प्रेस फोर्जिंग. क्लियर? नाउ What are the sequential process for manufacturing the connecting rod by forging? अगर आप बोलें कि भाई कौन कौन से sequential process होते हैं drop forging में अगर आपको connecting rod बनानी है, तो कौन कौन से sequential process होते हैं in the drop forging? There are 5 to 6 sequential process for the drop forging. As you see this is what the प्रेस फोर्जिंग. ये आपका प्रेस फोर्जिंग, ये आपकी अपर डाई है, लोअर डाई है, बीच में आपका वर्क पीस. जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्क पीस है वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आपके डाई की शेप में फैल जाएगा या उसका शेप ले लेगा. यस, अगर सिक्वेंशियल प्रोसेस की बात करें माय डियर, तो सबसे पहला आता है फुल रिंग. फुल रिंग का मतलब क्या है कि आपका क्रॉस सेक्शन क्या करना, डिक्रीज करना. कहीं ना कहीं अगर आपको क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसे बोलते हैं अपन फुल रिंग प्रोसेस. सबसे पहला पतला करना वर्क पीस को, इसे बोलते हैं फुल रिंग. फुल रिंग के बाद गैदरिंग ऑफ वर्क पीस. फुल रिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यू नो विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव डाई. एंड एजिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स डाई. ओके, फॉर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स डाई वी यूज द टू हाफ्स ऑफ द कॉन्वेक्स डाई एंड देयर इज अ वर्क पीस. मेटल को एक जगह गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, एजिंग प्रोसेस करते हैं. तो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका होगा फुल रिंग प्रोसेस, है ना. सबसे पहला होगा आपका फुल रिंग प्रोसेस. फुल रिंग के बाद होता है आपका एजिंग प्रोसेस. एजिंग में हम कहीं ना कहीं मेटल को गैदर करते हैं, और उसके बाद होता है बेंडिंग. अगर बेंडिंग की नीड है तो वहां पे क्या होगा, आपका बेंडिंग होगा. उसके बाद आता है आपका ब्लॉकिंग. उसके बाद आता है ब्लॉकिंग. इट इज अ सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन. दिस इज व्हाट द ब्लॉकिंग ऑपरेशन. इट इज सेमी फिनिशिंग. और फिर आता है आपका फिनिशिंग, जिसमें कि आप ऊपर नीचे दोनों स्क्वीजिंग
बेसिकली क्या कर रहे हैं आप ड्रॉप फोर्जिंग में, द ब्लॉकिंग एंड फिनिशिंग बोथ आर यू नो, बोथ आर यू नो द फिनिशिंग ऑफ बोथ आर यू नो द टू डाइस ऑपरेशन. इन ब्लॉकिंग आप जस्ट शेप को इम्प्रिंट करते हैं, एंड नाउ फिनिशिंग शेप अच्छी तरीके से इम्प्रिंट करने के लिए आप फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं अलग अलग डाइज में. देन जो भी फ्लैश आपका डेवलप हो रहा है, जो भी फ्लैश आपका डेवलप हो रहा है, उस फ्लैश को हटाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रिमिंग, है ना. पूरी की पूरी अगर पेरिमीटर की बात करूँ, वहाँ से अगर आपको अनवांटेड मेटल्स हटाने हैं, जब भी आप फोर्जिंग करते हैं तो फ्लैश जमा हो जाता है बिल्कुल एट द पेरिमीटर ऑफ द वर्क पीस, तो उनको हटाने को बोलते हैं अपन ट्रिमिंग. सो अगर पूछते हैं कि भाई कौन कौन से सिक्वेंशियल प्रोसेस दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला आता है फोल्डिंग प्रोसेस. यस ना, सबसे पहला फोल्डिंग प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस वी रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द रॉड. देन माय डियर एजिंग प्रोसेस, वी गैदर द वर्क पीस. एजिंग के बाद आता है ब्लॉकिंग, वी जस्ट सेमी फिनिशिंग प्रोसेस, वी जस्ट इम्प्रिंट द ब्लॉक ओवर हियर, इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग, इंप्रेशन करते हैं अपन. नाउ फिनिशिंग, टू क्लोज डाई में रख के आप क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे शेप देने वाले हैं फिनिशिंग. देन व्हेन यू ट्रिम द फ्लैशेज अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द वर्कपीस, देन इट इज वॉट द ट्रिमिंग प्रोसेस. ऐसा कर करके आपका जो कनेक्टिंग रोड बन जाएगा. सो व्हाट आर द सिक्वेंशियल प्रोसेस माय डियर? सिक्वेंशियल प्रोसेस इज नाउ फोल्डिंग, एजिंग, ब्लॉकिंग. अगर बेंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो यू डिड द बेंडिंग आफ्टर द एजिंग. ओके, सो फोल्डरिंग, एजिंग, बेंडिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग एंड ट्रिमिंग, दे आर यू नो द सिक्वेंशियल प्रोसेस, सिक्वेंशियल प्रोसेस फॉर द कनेक्टिंग रॉड. नाउ नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द शीट मेटल ऑपरेशंस? अगर हम शीट मेटल ऑपरेशंस की बात करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन माय डियर. अगर शीट मेटल ऑपरेशंस की बात करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक शीट मेटल. The first one is you know sheet metal cutting operation and sheet metal cutting operation and sheet metal forming operations. Sheet metal forming operation. अगर बोले भाई sheet metal cutting operations को क्या क्या बोलते हैं भाई? Sheet metal cutting operations को they are you know punching, yes ना, punching, blanking, notching, nibbling, है ना. They are punching, blanking, notching. ओके, निबलिंग, परफोरेटिंग, निबलिंग, परफोरेटिंग, दे ऑल आर यू नो परफोरेटिंग, लेंसिंग, स्लिटिंग, लेंसिंग, स्लिटिंग, ये सब क्या है आपके शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन है. शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन में जो मैकेनिज्म काम आता है उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ शियर, मैकेनिज्म ऑफ माइट शियर. अगर हम बात करें शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन का, अगेन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस. व्हाट आर द शीट मेटल फॉर्मिंग? कि भाई जहाँ पे हम शीट की शेप में चेंज करते हैं, ना कि कहीं ना कहीं हम मेटल रिमूव करते हैं, मेटल रिमूव नहीं करते हैं, हम शीट की शेप में चेंज करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैव लाइक योर ड्रॉइंग ऑपरेशन, है ना, जिसमें कि हम डीप ड्रॉइंग करते हैं, कप वगैरह बनाते हैं, जैसे ना ड्रॉइंग ऑपरेशन, योर आयरनिंग ऑपरेशन, when we did reduce the thickness of the wall, इट इज कॉल्ड द आयरनिंग ऑपरेशन. लाइक ड्रॉइंग हो गया, आयरनिंग हो गया. देन हम बात करते हैं स्पिनिंग ऑपरेशन. स्पिनिंग इज अगेन द शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन. क्लियर? बेंडिंग इज वॉट द शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन. कॉइनिंग, कॉइनिंग में आप कंप्रेशन लगा के कहीं ना कहीं आप कॉइन्स वगैरह बना सकते हैं, इट इज वॉट द कॉइनिंग ऑपरेशन. कॉइनिंग एंड योर इम्बोसिंग, कॉइनिंग, इम्बोसिंग, दे ऑल स्ट्रेच फॉर्मिंग, स्ट्रेस फॉर्मिंग. सो दे ऑल आर शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस. ठीक है, सो ये जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, दे आर शीट मेटल ऑपरेशंस लाइक शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन एंड शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस. कटिंग में आपका मेटल रिमूव होगा, जस्ट लाइक योर पंचिंग, ब्लैंकिंग, नोचिंग, निबलिंग, परफोरेटिंग. एंड इन द शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक योर ड्रॉइंग ऑपरेशन, आयरनिंग ऑपरेशन, स्पिनिंग ऑपरेशन, बेंडिंग, कोइनिंग, इम्बोसिंग, स्ट्रेस फॉर्मिंग, दे ऑल आर द शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस. नाइस. Now, what are the punch and die size? What are the punch and die size in punching and blanking? देखिए punching and blanking में die size को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा punching and blanking है क्या. Punching and blanking की बात करें, both are the you know sheet metal cutting operations and the mechanism is both same, mechanism is what shear. लेकिन you know in punching operation you use the punching machines. If punching operation is there, we required a hole.
यस ना, वी रिक्वायर्ड अ होल, उसे बोलते हैं अपन पंचिंग ऑपरेशन. इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन माय डियर, इफ यू रिक्वायर द ब्लैंक, दोनों में देखो ऑपरेशन सेम है. पंचिंग मतलब क्या, इफ यू रिक्वायर द होल ऑन द शीट एंड इज कॉल्ड द पंचिंग ऑपरेशन. नाउ ब्लैंकिंग मतलब क्या, इफ यू रिक्वायर द ब्लैंक्ड पार्ट, इफ यू रिक्वायर द डिस्क, इफ यू रिक्वायर दिस, लाइक वी रिक्वायर्ड 15 mm डिस्क फ्रॉम द शीट, देन इट इज कॉल्ड द ब्लैंकिंग ऑपरेशन. वी रिक्वायर 10 mm होल ऑन द शीट, दिस इज पंचिंग ऑपरेशन. नाउ पूछा है कि भाई पंचिंग एंड बेसिकली पंचिंग और ब्लैंकिंग में डाई का साइज क्या होगा और पंच का साइज होगा ना. अगर हम पंचिंग की बात करें माय डियर, अगर हम पंचिंग की बात करें तो इन पंचिंग पंच साइज इज इक्वल टू व्हाट होल साइज. ओके, इन पंचिंग पंच साइज इज इक्वल टू व्हाट होल साइज. यस ना, पंच साइज इक्वल टू व्हाट होल साइज. और अगर हम यहां पे डाई की बात करें, अगर हम यहां पे माय डाई साइज की बात करें, जस्ट गिव द क्लियरेंस, इट इज जस्ट द होल साइज, इट जस्ट यू नो पंच साइज प्लस 2 times ऑफ क्लियरेंस. व्हाट इज क्लियरेंस, इट इज जस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू ब्लेड्स, डिफरेंस बिटवीन टू ब्लेड्स, लाइक डिफरेंस बिटवीन पंच एंड डाई. यस ना, सो डाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज पंच साइज प्लस 2 times ऑफ क्लियरेंस, 2 times ऑफ क्लियरेंस. बिकॉज हम ये डाई में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन पंचिंग ऑपरेशन सबसे पहली बात हमें होल चाहिए और बर का फॉर्मेशन नहीं हो, जो ब्लैंक पार्ट है आराम से निकल जाए. उसके लिए हम डाई को कहीं ना कहीं विद द हेल्प विद द फैक्टर्स ऑफ स्प्रिंग बैक इफेक्ट, हम यहाँ पे 2 times ऑफ क्लियरेंस देते हैं इन पंचिंग ऑपरेशन कहाँ पे, डाई में. यही अगर मैं बात करूँ ब्लैंकिंग ऑपरेशन का, है ना, यही अगर मैं बात करता हूँ ब्लैंकिंग ऑपरेशन का, अगर हम बात करें ब्लैंकिंग ऑपरेशन का माय डियर, तो दिस ब्लैंकिंग ऑपरेशन वी वॉन्ट अ ब्लैंक, वी वॉन्ट यू नो अ ब्लैंक, दैट्स वाई. और ब्लैंक निकले कहाँ से, ब्लैंक निकलेगा आपके डाई में से. दैट्स वाई इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन माय डियर, डाई साइज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ प्रोडक्ट, डाई साइज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ प्रोडक्ट. एंड पंच साइज इज इक्वल टू डाई साइज, पंच साइज इक्वल टू डाई साइज माइनस 2 times ऑफ क्लियरेंस, डाई साइज माइनस माय डियर 2 times ऑफ क्लियरेंस. क्लियर ना. सो ये है, अगर पूछेगा भाई पंचिंग में आप क्लियरेंस कहां देते हैं, पंचिंग में आप देते हैं क्लियरेंस डाई में, और इन द ब्लैंकिंग गिव द क्लियरेंस इन द पंच. विद वेरियस काइंड ऑफ फैक्टर्स, लाइक वी वॉन्ट द मिनिमाइज बर, वी वॉन्ट एंड ड्यू टू स्प्रिंग बैक इफेक्ट, वी गिव द यू नो क्लियरेंस टू द डाई इन पंचिंग ऑपरेशन, एंड वी गिव क्लियरेंस टू द पंच इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन. ओके, नाउ वॉट आर द शीट फॉर्मिंग ऑपरेशन. शीट फॉर्मिंग ऑपरेशन कौन कौन से, जैसे कि हमने बात की थी अभी, शीट फॉर्मिंग ऑपरेशन आर लाइक योर ड्रॉइंग ऑपरेशन, योर आयरनिंग ऑपरेशन, योर स्पिनिंग ऑपरेशन, जो कि आपका लेथ मशीन पे होता है ना, लेथ स्पिनिंग ऑपरेशन, लाइक योर स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन, लाइक योर बेंडिंग ऑपरेशन, कोइनिंग ऑपरेशन, एंड माई डियर इम्बोसिंग ऑपरेशन, दे ऑल आर शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर द स्प्रिंग बैक इफेक्ट इन फॉर्मिंग ऑपरेशन. देखो वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग बैक, इफ यू डू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन एनी काइंड ऑफ वर्क पीस, है ना, फॉर्मिंग ऑपरेशन में करने क्या वाले हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने वाला है, तो उस फाइनल डिफॉर्मेशन में दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इन फाइनल डिफॉर्मेशन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. एंड वेन यू रिलीज द लोड, जब लोड को रिलीज कर देते हैं, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से गेन होता है ना. दिस काइंड ऑफ यू नो, जब आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से गेन होता है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट. यस ना, सो वेन यू डिफॉर्म एनी काइंड ऑफ मटेरियल अबव इट्स इलास्टिक रेंज, अबव इलास्टिक रेंज, इलास्टिक लिमिट, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल हैपन. सो इफ वी रिलीज द लोड, अगर आपने लोड को हटा दिया, देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस रिकवर होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट. इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यंग्स मॉडल्स, यंग मॉडल्स पे भी आपका ये डिपेंड करता है क्या, स्प्रिंग बैक इफेक्ट. सो दीज आर सम एक्सेप्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, फ्रॉम द शीट मेटल ऑपरेशंस, जो कि कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. आई होप यू लाइक द सेशन, आपको अगर हेल्प मिले तो यू जस्ट लाइक द सेशन एंड शेयर दिस. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.